नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बता दें, बिहार में छठ महापर्व चल रहा है, लेकिन छठ महापर्व के अलावे भी कोई सबसे बड़ी खबर है तो वो है शराब। जी हां, शराब ने मानो सरकार की नींद हराम कर दी है। लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद सीएम नीतीश कुमार 16 नवंबर को समीक्षा बैठक करने वाले हैं। वहीं समीक्षा बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ी नसीहत दे दी है। संजय जायसवाल ने कहा है कि सिर्फ समीक्षा बैठक ना करें, बल्कि समीक्षा बैठक के अलावे शराब माफियाओं पर लगाम लगाएं, शराब माफियाओं पर कार्रवाई करें, तभी शराबबंदी सफल हो पाएगी। संजय जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी समीक्षा करेंगे वह बेहतर होगा, लेकिन साथ में यह भी ध्यान देना जरूरी है कि बिहार के हर जिले में ऊपर से लेकर नीचे तक शराब के धंधे में माफियाओं का राज चलता है। शराब माफिया ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़े हुए हैं और शराब का अवैध व्यापार करते हैं, इसलिए इन माफियाओं पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी शराबबंदी सफल हो पाएगी। बता दें, शराबबंदी के बाद भी लगातार जहरीली शराब मिलने का मामला आ रहा है। पिछले दिनों आपको पता है कि गोपालगंज और बेतिया में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर आई। उसके बाद समस्तीपुर में 4 लोगों की मौत की खबर आई। हद तो ये हो गई कि मंगलवार को भी मुजफ्फरपुर से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मतलब अगर कहें कि इस साल जहरीली शराब से अगर मौतें हुई हैं तो तकरीबन 70 के आसपास हुई है। हालांकि इनमें कई मौतें ऐसी रही हैं जिसके बारे में पुलिस प्रशासन को पता नहीं चला, कई मौतों की पुष्टि हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब मिल रही हैं, शराब माफिया एक्टिव हैं और शराब की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। आखिर इस पर लगाम कब तक लग पाएगी? जाहिर सी बात है, समीक्षा बैठक में इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।